वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर जो है नया चैप्टर शुरू किया था, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेल स्ट्रक्चर, सेल के डेफिनेशन सबसे पहले हमने देखी थी, सेल दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिट ऑफ लाइफ और दैट मे बी कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ मेड बाय सेल, और यहाँ पर सेल से बनना ये एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनका भी बॉडी दैट स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल सेल। यही वजह है कि सेल इज़ कॉल्ड एज यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ उसको कहा जाएगा। फिर उसके बाद के टॉपिक के अंदर हमने देखा है साइज़ ऑफ द सेल जो होता है वेरिएबल साइज़, कोई फिक्स साइज़ यहाँ पर नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज़ में भी स्मॉल और लार्ज इस तरीके से होते रहती है। शेप ऑफ द सेल जो होता है दैट इज़ नॉट परमानेंट, वो परमानेंट शेप भी नहीं है, वेरिएबल शेप भी यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है सेल का स्ट्रक्चर है, सेल का शेप है, उसका जो नेचर होता है, उसका जो फंक्शन होता है, सब अलग अलग होते हैं। और ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मेड बाय सेल। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर भी यहाँ पर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से किंगडम एनिमेलिया के अंदर भी देखा गया, क्राइटेरियाज के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये कंडीशन भी वहाँ पर जो है पाई जाती है। तमाम चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं, वही चीज़ यहाँ पर जो है सेल के ताल्लुक से रिपीट होती हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हमें यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हमें यहाँ पर देखना है, अगला पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी जो रहेगी, इसके जो डिटेल, इसके अंदर जो तमाम स्टेप्स पाई जाती हैं, वो तो आपका 12th के अंदर यहाँ पर आने वाला है। अभी सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिया गया है। जब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप जब सेल का ऑब्जर्वेशन किया गया तो सेल के ताल्लुक से जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर थी, वो तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन जो है जो इकट्ठा किया गया है दैट इज़ इंक्लूडेड इन द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को पेश करने वाले दो साइंटिस्ट हैं, एक है शिलिडन और दूसरा है यहाँ पर श्वेन। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी पेश की है, यानी सेल के ताल्लुक से ऑल द इंफॉर्मेशन वो तमाम के तमाम थ्योरी के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। टाइप्स ऑफ सेल वहाँ पर है, उनका रोल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कौन सी चीज़ें होती हैं, जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर होते हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो उसके अंदर जो यहाँ पर सेल थ्योरी के अंदर शामिल की गई हैं। एंड सेल थ्योरी दैट आइडिया दैट थ्योरी वॉज पुट फोर्थ बाय शिलिडन एंड श्वेन, उन्होंने इस थ्योरी को जो यहाँ पर पेश किया है। लेकिन इस थ्योरी के अंदर एक अहम चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। न्यू सेल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये चीज़ यहाँ पर नहीं बताई गई है, या फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो चीज़ जो यहाँ पर सेल थ्योरी के अंदर शामिल नहीं की गई है। सेल क्या है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ है, विच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर प्रेजेंट, वो तमाम चीज़ें हैं, बट देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। न्यू सेल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, सेल थ्योरी के अंदर ये पॉइंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम है रोडोल्फ वार्चाऊ ने यहाँ पर बताया है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया है, सेल फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी आज सेल का फॉर्मेशन होता है वो पहले से मौजूद जो भी सेल है, प्री एग्जिस्टिंग जो सेल थे उससे, उसके ज़रिए से बाद के सेल जो है यहाँ पर डेवलप होते हैं, ये बताया गया। अब इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है, आप जब 12th के अंदर आओगे एक आपका चैप्टर रहेगा यहाँ पर जो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, उसके अंदर भी यही चीज़ बताई गई है, ईच एंड एवरी सेल दैट आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद जो भी सेल हैं बाद के सेल उसी से बने हैं। क्या ऑब्जेक्शन यहाँ पर आएगा, पहले से मौजूद सेल है तो पहला सेल कौन सा, पहला सेल कैसे बना, तो यहाँ पर जो है ये भी देखा जाए तो एक ऑब्जेक्शन वाली बात यहाँ पर आती है कि पहले से मौजूद सेल से बाद वाले सेल बने हैं, तो हाउ फर्स्ट सेल दैट हैव बीन फॉर्म्ड, ये जो है यहाँ पर अभी तक जो है इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप 12th के अंदर आओ तो उसके बाद वो तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने में आ जाएगी। तो यहाँ पर इस ताल्लुक से शिलिडन एंड श्वेन ने यहाँ पर तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर रोडोल्फ वार्चाऊ ने इतना बताया है कि यानी सेल दे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद जो भी सेल है, बाद के सेल जो है यहाँ पर उसी से जो है यहाँ पर उनका फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ जो है आपको जहन में रखना है। तो यहाँ पर जो है सेल थ्योरी है, इसके अंदर यहाँ पर जो है दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है। बहरहाल डिटेल स्टडी जो आपकी रहेगी 12th के अंदर यहाँ पर जो आने वाली है। अब यहाँ पर हमें देखना है एक खास चीज़ जो है, एक न्यू टर्मिनोलॉजी आपके लिए है बच्चों, यहाँ पर ये है टोटी पोटेंसी।
टोटिपोटेंसी, दिस इज एन एबिलिटी ऑफ ऑल द प्लांट सेल. प्लांट सेल के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि दे कैन कन्वर्ट इनटू न्यू इंटायर ऑर्गेनिज्म. यानी सेल के अंदर एक एबिलिटी, कुछ सेल के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि सेल के जरिए एक इंटायर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर दिस एबिलिटी दैट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी. यहाँ पर हम देखते हैं इसकी एग्जांपल बताई गई है इम्ब्रियोनिक एनिमल सेल, जिसका दूसरा नाम है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेम सेल. प्लांट के अंदर यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके अंदर तो ये एबिलिटी है कि यहाँ पर टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए फ्रॉम फ्यू सेल वी कैन कल्टिवेट इंटायर प्लांट बॉडी. एक पूरा कंप्लीट प्लांट बॉडी का प्रोडक्शन हो सकता है. तो यहाँ पर टोटिपोटेंसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर प्लांट के अंदर पाई जाती है. तो ऐसे सेल जो होते हैं दीज सेल्स आर कॉल्ड ए टोटिपोटेंट सेल. एनिमल सेल के अंदर भी यहाँ पर जो एबिलिटी पाई जाती है, जो इम्ब्रियो होता है, तो इम्ब्रियोनिक एनिमल सेल जो होते हैं, अब ये एम्ब्रियोनिक सेल जो होते हैं आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जायगोट के जरिए, जो यहां पर हम देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेल का जो फॉर्मेशन होता है उसके जरिए से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन यहां पर जो है पाया जाता है. तो वो इम्ब्रियो के जरिए फ्रॉम फ्यू सेल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. तो यहां पर इसके अंदर भी इम्ब्रियोनिक सेल के अंदर भी टोटिपोटेंसी पाई जाती है, एक कंडीशन जो यहां पर मौजूद होती है. तो यहां पर इम्ब्रियो सेल जो रहेगा एनिमल बॉडी के अंदर उसको हम कहेंगे टोटिपोटेंट सेल है. इसी तरीके से प्लांट के अंदर अगर देखा जाएगा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड ए टोटिपोटेंट सेल कहा जाएगा. तो ये एक एबिलिटी यहाँ पर जो है पाई जाती है. तो टोटल तमाम के तमाम सेल के अंदर ये एबिलिटी नहीं है, कुछ सिलेक्टेड सेल होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटीज़ जो है यहाँ पर मौजूद होती है. तो यहाँ पर उसको टोटिपोटेंसी कहा जाएगा. 12th के अंदर आएगा टोटिपोटेंसी का यूटिलाइजेशन जो होता है टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर होता है, किस तरीके से सेल के जरिए कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, वो चीज़ यहाँ पर वो भी जो है 12th के अंदर आएगी. अभी 11th के लेवल तक यहाँ पर जो है कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर आपके सामने जो है यहाँ पर बताए गए हैं. अब उसके बाद हमें देखना है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. इस चैप्टर के अंदर जब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हमारा जो होता है काइंड्स ऑफ सेल. दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, कितने टाइप के सेल होते हैं. शुरुआत के चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर जो है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पांच ग्रुप में बांट दिया गया है. उसके अंदर पहले दो जो यहाँ पर किंगडम हैं, एक है मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा. तो वहाँ पर ये दो टर्मिनोलॉजी का जिक्र हुआ है. मोनेरा किंगडम के अंदर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को शामिल किया गया है जहाँ पर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होते हैं और ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे. किंगडम प्रोटिस्टा और उसके ऊपर जितने भी बाकी तीन किंगडम है, किंगडम प्लेंटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई, उनके अंदर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस मौजूद होता है तो उनको जो यूकैरियोटिक सेल कहा जाएगा. तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर के अंदर देखा जा चुका है. तो यहाँ पर अभी वही देखना है काइंड्स ऑफ सेल या टाइप्स ऑफ सेल. दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर उनका सर्वे करते हैं तो दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल. अब यहाँ पर ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इसकी एग्जांपल होती है ऑल द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियाज आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस और प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट. तो इसकी एग्जांपल रहेगी यहाँ पर बैक्टीरिया. यानी बैक्टीरियल सेल का अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तो पूरा जो है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया की स्टडी करने से प्रोकैरियोटिक सेल की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो चीज़ हमारे सामने जो है यहाँ पर आ जाती हैं. अब बैक्टीरिया के छोड़कर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर होते हैं अगर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं तो बैक्टीरिया को छोड़कर यहाँ पर प्रोटिस्टा है, इसी तरीके से किंगडम प्लेंटी है, इसी तरीके से यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया है और लास्ट यहाँ पर जो होता है किंगडम फंजाई. ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप यहाँ पर होता है जिनके अंदर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस मौजूद होता है. सो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में आया स्केच एंड लेबल या एक्सप्लेन बैक्टीरियल सेल तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल बताना है, या अगर आ गया है कि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल है तो आप बैक्टीरियल सेल वहाँ पर बना देना है. दोनों के अंदर जो है वही प्रॉपर्टी पाई जाती है. और अगर यूकैरियोटिक सेल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर जो है प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर प्लांट एनिमल और फंजाई होते हैं
या मल्टी सेलुलर होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल के वो जो है वहाँ पर आपको फिगर बना देना है। इस तरीके से मामला जो है यहाँ पर हो जाता है। अक्सर यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर इसके अंदर जो है सेल के लिए जो है यहाँ पर स्केच एंड लेबल आता है। स्केच एंड लेबल बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा रहेगा स्केच एंड लेबल प्लांट सेल, स्केच एंड लेबल एनिमल सेल। तभी हमारा जो पीरियड रहेगा उसके अंदर हम यही देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें जो यहाँ पर वेटेज देना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, यानी फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल। अगर बैक्टीरिया को हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो कौन से कैरेक्टर वहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, क्या उसके अंदर पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर देखना रहेगा। तभी हम उसको जो है यहाँ पर देखते हैं।